हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैथ्स फाउंडेशन बैच में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। तो विद्यार्थियों, ये अपना मैथ्स फाउंडेशन बैच बेसिक टू एडवांस लाइव बैच 2023 का है और इसकी फीस मात्र 299 है। ये जो बैच है अपना शिक्षा युग 2.0 ऐप के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। बट ये जो लेक्चर है जो आप देख रहे हो, ये ऐप के ऊपर लाइव है और रिकॉर्डेड। ये क्लास, यही लेक्चर, ओनली यही लेक्चर रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा। उसका औचित्य यह है कि कुछ बच्चों को अगर अपना बैच बाई करना है तो अपना कंटेंट देख सकते हैं, सोल्व करने का अपना तरीका देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो इश्यू होता है वो कंटेंट का होता है, कि कंटेंट में कितना दम है, कंटेंट कैसा है। तो सबसे पहले मैं कंटेंट से आपको रूबरू कराता हूँ कि अपना एक कुछ इस प्रकार का कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेंट है, देख सकते हो आप। ये क्वेश्चन का लेवल है अपना, तो क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल सामान्य तो है नहीं। हाँ, स्टार्टिंग सामान्य से करते हैं बट अपना सीजी लेवल तक लेके जाते हैं और फीस मात्र से रखी गई है। ये जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर जो भी होगा वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, बना सकते हैं। बट आप नहीं बनाना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। ये कंटेंट है तो ये देख सकते हैं आप, इसका लेवल क्या, इसका लेवल है कैसे कैसे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का लेवल है जो बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सामान्य तो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, बड़े लेवल के क्वेश्चन है। और ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बारे में मैं बता रहा था कि मैथ्स का फाउंडेशन है, बेसिक टू एडवांस है, 1 साल की वैलिडिटी है इसमें। शॉर्ट ट्रिक और बेसिक अप्रोच से हम करवाएंगे, ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, HSSC, CET ग्रुप, DSSC के जो भी एग्जाम्स उनके लिए। और इसके साथ ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसी वीक के लास्ट तक अपनी ये बुक है सीटी मैथ्स की, हरियाणा में सीटी मैथ्स के लिए मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी जल्दी ही ये बुक। और इसके साथ जो हम वो बैच, ये बैच पढ़ा रहे हैं, तो इस बैच के लिए भी जल्दी ही एक बुक हो जाएगी लॉन्च, लेकिन इसके लिए 3 से 4 महीने और लगेंगे। हाँ, सीटी वाली बुक अपनी जल्दी ही इस वीक में आ जाएगी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का वैसे, और वैसे क्वेश्चन नंबर है अपना 61 नंबर, 61 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे पीछे के लेक्चर में, राइट? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखो एक बार और सोल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है, 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। 1/4 की वैल्यू पता है कि किसी को 25% होती है। कितनी होती है? 25% होती है। अब क्या कहता है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है, वर्षों की संख्या तथा वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि यहाँ पे R बराबर है T, यानी कि दर और टाइम दोनों बराबर दे रखे हैं, दर और समय बराबर है, राइट? तो 1/4 है, ये आपका प्रिंसिपल है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 25%। और 25% को आप क्या लिख सकते हो? 5 × 5 लिख सकते हो। और यहाँ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? PRT upon 100, ठीक है। और जो भी आपका आता है यहाँ फॉर्मूले में जाते हो तो ठीक है, नहीं तो जो भी है, R और T चाहिए, दोनों बराबर हैं, तो एक को आप R ले सकते हो, एक को आप T ले सकते हो, ठीक है, R और T हो जाते हैं। तो यहाँ ब्याज की दर क्या है? 5%। ब्याज की दर क्या है? 5% है। क्या आप मेरी बात से एग्री हो? जो क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंस रहेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, ये सोल्यूशन करने का तरीका देख के आप कोर्स को बाय करना अगर आपको समझ में आए तो, क्योंकि अपना बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा। अब वैसे पुराने घिसे पिटे तरीके से हम सोल्व नहीं करते हैं। ये हमने देखा 1/4, इसका मतलब 25%, 25% का मतलब दर बराबर और टाइम दोनों बराबर है, तो यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 5 × 5 होता है, राइट आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी मूल राशि का 16/25 हो जाती है। कितना हो जाती है? 16/25 हो जाती है, यदि यदि ब्याज की दर तथा समय दोनों बराबर हैं। यदि यहां होना चाहिए था ब्याज, ठीक है, यदि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो दोनों बराबर हैं तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? तो यहाँ 16/25, बट सर 16/25 का तो हमें पता नहीं है। नहीं पता है ना, कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है,
16 बटे 25 का अगर आपको पता नहीं है तो 100 से मल्टीपल करके परसेंटेज पर आप काउंट ही कर सकते हो। कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 64% हो जाएगा, 64%। यस या नो, यस ठीक है, 64%। और यहाँ जो टाइम, टाइम इक्वल किसके है, आर के, ठीक है, टाइम इक्वल आर के है, तो दोनों का मल्टीपल ही 64 है, तो टाइम इनटू आर इज इक्वल टू 64, यानी कि 8 साल का टाइम है, 8 साल की दर है, तभी तो 64 होते हैं। तो दर कितनी पूछ रखी है, ब्याज की दर क्या है, 8%। राइट, कुछ है मुश्किल? नो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, इस क्वेश्चन के जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने बताया था, इसमें टाइप वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो और इसके नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, अपनी हैंडराइटिंग में आप बना सकते हो, नहीं बनाओ तो इसी का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। हाँ, आपको समझ में तभी आएंगे जब आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखोगे, बीच में ड्रॉप कर दिया तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। कि साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है तथा साधारण ब्याज की दर तथा समय बराबर है। 1/16 का मतलब क्या होता है बताओ भाई, बता सकते हो? 1/8 का मतलब तो कितना था, याद है क्या कुछ? 1/8 का 12.5, ठीक है, 1/8, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 1/8, 1/16 का मतलब याद आता कुछ, तो 12.5 का, तो इसका मतलब होना चाहिए 6/1/4, ठीक है, 6/1/4, राइट, 6/1/4 हो सकता है जी, बिल्कुल होता है, इसका मतलब यही होता है। ओके, 6/1/4, तो 25/4, और 25/4 का मतलब होता है आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, 25/4 लिख सकते हो, और इसका मतलब मल्टीपल और वो बराबर है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, इसका रूट निकाल के, क्योंकि आपको पता है कि टी इंटू आर बराबर है, मल्टीपल ही है और टी और आर बराबर भी है, ठीक है, ये बराबर भी है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 5/2, 5/2 का मतलब है 2/1/2%, दोनों चीज इतनी रहेंगी, 2.5%। हाँ, बट ये समझेगा वही जो बिल्कुल लेक्चर को पूरा देखेगा, जो बीच में ड्रॉप करेगा तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं कि वो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। पूरा लेक्चर देखने के बाद आप समझ पाओगे इसको, ये होते कैसे हैं। मैंने बताया 1/16 की वैल्यू 6 एंड 1/4%, तो यहां से इसको 2500 के 100, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया था कि मल्टीपल होता है ना आर और टी का, ठीक है, टी और आर का मल्टीपल ही तो है ये, तो ये 25/4 हैं, कितने हैं भाई, 25/4 हैं, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, 25/4 हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5, नीचे क्या लिख सकते हो, 2 × 2, ठीक है, तो यही तो है आर और दर, यानी कि 5/2, 5/2 का मतलब 2.5%। पर जो अपने लेक्चर को अच्छे से देखेगा वो बच्चा अच्छे समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे आपका आंसर क्या आएगा। 64 में है क्या कि किसी धनराशि को 5% वार्षिक और वर्ष में 365 दिन है साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होता है। 2 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होते हैं तो 365 में कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे बताओ भाई, तो ये हो जाएंगे 730, ठीक है, 730 रुपये, ठीक है, कब, 1 वर्ष में, राइट, 730। अब क्या बताया है कि 5%, ये उस धनराशि का 5% कितना है, 730 है। अगर मैं 10% की बात करता हूं तो इसका 5/10, इसका अगर मैं 10% की बात करता हूं तो 7 × 14, 3 × 6, 1460 हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात 100% की करता हूं तो इधर एक जीरो रख देता हूं, इधर एक जीरो रख दिया तो मैंने इधर भी एक जीरो रख दिया, 14600, तो 14600 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए आसान है ना, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर देख लो आप, 5% तो वार्षिक है,
लेकिन क्या कहता है कि एक दिन में 2 रुपए ब्याज के लगते हैं, तो 365 दिन में 730 रुपए ब्याज के हो जाएंगे। लेकिन वो 730 है ना, किसी धन का 5% है। 730 रुपए जो आए हैं वो किसी धन का 5% है। अगर 5% 730 है तो 10% कितना था, 1460 था। 100% कितना था, 14600 था। बस इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं हम। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। सेम बात है, बिल्कुल सेम जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह से है कि मूल राशि बताइए, मूल राशि क्या है जिस पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज है वो 1 रुपया है। तो 365 रुपये ब्याज हो जाएंगे एक वर्ष के अंदर, 365 रुपये का ब्याज हो जाएगा, ठीक है, 365। और ये उसका 5% है, कितना है, 365 है। 10% कितना है, 730 है। 100% कितना है, 7300 है, ठीक है, कुछ नहीं था, बस इतना सा है। कितने भी बड़े क्वेश्चन हो आपको ना कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो फिर आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। आपको जो भी तरीका आता है ठीक है, बट अपना तरीका बिल्कुल डिफरेंस है, और इस तरीके से आप सोल्व करो, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल इस बात को फॉलो करोगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि X% वार्षिक ब्याज की दर से, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, हो सके तो एक बार खुद ट्राई करके देखो, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। ट्राई करो एक बार। ये क्लास मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप के ऊपर लाइव है प्रेजेंट में, और इसके बाद रिकॉर्डेड क्लास जो होगी ये यूट्यूब के ऊपर डाल दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। बट सारा कोर्स कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर नहीं रहेगा, कुछ बीच बीच की कुछ क्लासेस मिलती रहेंगी। वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके बैकग्राउंड में कोर्स में क्या क्या चल रहा है, कि आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ अच्छा चाहिए था और वो ऐप के ऊपर चलता रहा, आप ऐप पे विजिट ही नहीं करके आए। ऐप पे विजिट नहीं कर पाओ तो एक बार यूट्यूब पे देख लो ना फिर क्या चल रहा है, फिर आप ऐप पे विजिट कर पाओगे अच्छे से। यदि X% वार्षिक ब्याज दर से, ये X% हमें नहीं पता क्या है, कि 1400 रुपये की राशि 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि का, ठीक है, 1400 रुपये की राशि, ठीक है, और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग कितना है, 672 है, तो एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान हमें नहीं पता है, चलो तो 1400 रुपये हैं, 14 मूलधन गुणा दर, दर कितना है x, और समय कितना है 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा प्लस में इसी धनराशि का 1400 का, दर कितनी है X%, टाइम कितना है, वहां 4 वर्ष था यहाँ 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, अपॉन 100 किसके बराबर है, 672 के बराबर है, राइट। तो यहां से 2 जीरो से तो ये काट सकते हो, अब कितना हो जाता है, यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो, x कॉमन तो 14 चौके 56, ठीक है, 56 प्लस वहां 14 दुनिया 28 और बराबर है किसके हैं, 672 के हैं, 672 है ना भाई। x किसके बराबर हो जाएंगे, 56 और 28 जोड़ देंगे 84 हो जाएंगे, 672 84, ठीक है ना, और 84 से कितने से कटता है ये, 8 से, 8 चौके 32, 3 8 8 64 और 3 67, ठीक है, ये कट जाता है 8 से, तो x की वैल्यू आ जाती है 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 8%, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना भाई। हाँ, किसी का कोई कमेंट वगैरह हो तो कर सकते हो भाई, देख लेंगे आपका कमेंट भी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, किसी का कोई डाउट है ना तो डाउट के लिए अपने पास टेलीग्राम चैनल पे डाउट ग्रुप है, शिक्षा डाउट ग्रुप, वहां आप डाउट डाल सकते हो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 67, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर, दर दोनों कंडीशन में बराबर है दोनों व्यक्तियों के लिए, जैसे यहाँ एक्स दिया था, इसी क्वेश्चन में आपको कोई भी एक्स वगैरह मान लेनी है, एक ही दर पर उधार देता है, यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं तो वार्षिक दर क्या है। तो यहां से देखते हैं कि 400 रुपये हैं, दर हमें नहीं पता है, ठीक है, जो एक्स वाई जेड जो भी मान लेते हैं, आर मान लिया हमने,
और 3 साल का ब्याज, ठीक है, 3 साल का ब्याज, और दूसरी कंडीशन में 500 रुपये सर सेम है, टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष, उधर 3 वर्ष है इधर 4 वर्ष है, और यहां से भी जो ब्याज मिलेगा सभी का जो ब्याज जोड़ के 160 रुपीज हो जाता है। तो जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, आर अगर कॉमन आ जाता है तो अंदर कितना बचता है 4 × 12, ठीक है, प्लस 4 × 5 = 20, और किसके बराबर बच जाते हैं 160 के बराबर, आर किसके बराबर हो जाएगा 160/32, ठीक है, 12, 20, 32 अगर काट देते हैं तो कितना 5 से कटता है क्या, या 8 × 5 = 10, 5 × 15 तो ये आ जाता है 5, ठीक है, 5 का मतलब है 5%, तो दर क्या है यहाँ पे मेरे भाई 5% रहेगी, यहाँ की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है, ओके 5% इंटरेस्ट ऑफ रेट रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ क्या आप सोल्व कर पाओगे या नहीं, क्या ये कोई बात नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, सोल्व करके बताओ मुझे आप कितने पढ़े लिखे, थोड़ी सी जगह इधर को कर देते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी तो अपने पास इधर जगह बच जाती है, ठीक है ना। क्या है कि एक व्यक्ति ने 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदा, वह 4,000 तुरंत दे देता है और शेष 15 महीने के बाद देता है, तो 16,000 का खरीदा तो 16,000 इसको पे करने पड़ेंगे, बट ये क्या है बाद में देता है, जिस पर उसे 12% का ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, ब्याज अगर ब्याज दे रहा है तो इसी दिसी बात है भाई इससे तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही देगा, 16,000 से ज्यादा इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वह टीवी के लिए कितनी राशि अदा करेगा। तो सबसे पहले 16,000 में से 4,000 तो इसने यहां जमा करवा दिए थे, ठीक है, 16,000 का टीवी 4,000 जमा करवा दिए, 12,000 रिमेनिंग्स हैं, ठीक है, अब 12% ये है 15 महीने का, अब बात समझो 12% 15 मंथ में 15% हो जाता है, 12 महीने का अगर 12% है तो 15 महीने का 15% हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि 12 महीने का 12% है तो 15 महीने का 15%, और इसका 15% की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसने 4,000 तो जमा करा दिए थे ना, 4,000 जमा करवा चुका है, 12,000 के ऊपर इसको 15% और देने हैं, 10% कितने होते हैं 1200, ठीक है, 10% 1200, और इसका 5% 600, यानी कि इसका अगर मैं 15% की बात करता हूं तो 1800 हो जाता है, कितना हो जाता है 1800, राइट, तो 1800 इसको कितने देने हैं 4,000 यहां से, 12,000 ये, और प्लस में 1800 रुपये इसको देने पड़ेंगे जो कि ब्याज के हैं, जो कि ब्याज के हैं, तो टोटल अगर कर देते हैं हम तो पहले 16 थे ना, 17,800 हो जाएंगे इसके, ठीक है, 4, 2, 6, 7, ठीक है, 17,800 रुपये इसको पे करने पड़ेंगे, अब ये धनराशि 17,800 इसको पे करनी पड़ेगी, देखो 16,000 थे 4,000 दे दिए 12,000 बच गए, 4,000 दे दिए 12,000 जो बचे हैं वो तो इसको देने ही देने पड़ेंगे, बट 12,000 के ऊपर इसको ब्याज भी देना पड़ेगा, 12,000 का ब्याज कितना होता है 1800, तो 1800 रुपये एक्स्ट्रा इसको देने पड़ेंगे जो कि 17,800 में चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बताओ भाई क्वेश्चन क्या है, सोल्व करो और बताओ जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं तो पहले तो 956 तो हो ही जाती है, धनराशि तो 800 की है, 4% बढ़ा देते हैं और 3 साल के लिए 800 × 4 = 12, ठीक है, 12×96 यही होते होंगे ना, 96 रुपये एक्स्ट्रा और हो जाते हैं, 956 पहले ही पे करने थे, 96 और करने हैं, 6×12 और
पांच दस बावन, 1052 रुपए पे करने पड़ेंगे, 1052 रुपए। छोटा सा क्वेश्चन बोलो, कितने रुपए और पे करने पड़ेंगे? 1052। राइट, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने और मुझे उम्मीद है आप जल्द ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके आंसर भी देंगे जल्दी से। एक आदमी अपने 50,000 में से 8,000 साधारण ब्याज की 5.5% की वार्षिक दर से 24,000 पे 6% वार्षिक दर से उधार देता है। अब जो शेष बचती है, शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से, दर हमें नहीं पता है, उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3680 रुपए, 3680 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई थी वह क्या है, यानी कि शेष धनराशि को किस वार्षिक दर से उधार दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले पहली कंडीशन में क्या है, 8,000 रुपए है, 8,000 का, ठीक है, 8,000 का 5.5% कितना होता है, 5.5%। तो मेरे साथ जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं वो तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नहीं, बाकी आप कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं 10% 800 होता है, 10% कितना, 800, ठीक है, 10% 800, 5% कितना, 400। अगर 10% एक छोड़ के 800 होता है तो 5% 400, 1% 80 है तो 8% 40 है, तो 440। ये अपने माइंड कैलकुलेशन है, अपने माइंड में आप कर सकते हो। दूसरी बात है, दूसरी कंडीशन ये था 24,000 कितना है, 24,000 के ऊपर कितना है, 6%, 1% कितना है, 2 छोड़ के, यानी कि 240। तो 6% का मतलब, यानी इससे 6 से अगर हम मल्टीपल कर दें, एक तो 0 ही होगा, दूसरा 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, तो 1440 यहाँ हो जाएंगे। और तीसरा क्या है, हमें नहीं पता है, तीसरी जो धनराशि है वो कितनी है, 24,832। यहाँ पे जो धनराशि है वो 18,000 है, यहाँ की दर कितनी है बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, यहाँ की दर पता नहीं है, बट यहाँ सभी का जोड़ के अगर जो ब्याज आता है वो 3680 हो जाता है, 3680 हो जाता है, तो 3680 हो जाता है। तो यहाँ से आप ये बताओ कि तीसरी धनराशि पर ब्याज के रूप में कितने होंगे, 440 यहाँ से, 1440 यहाँ से, कुल मिला के 3680 हो जाते हैं। तो यहाँ से जोड़ करते हैं तो यहाँ कितना चाहिए, 0, 4 4 8 8 में 60 के 0, ठीक है, 4 4 8 यहाँ कितने, 6, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ 1800 रुपये ब्याज के हो जाते हैं, ठीक है, 1800 रुपये ब्याज के हो जाते हैं। धनराशि कितनी है, 18,000, ब्याज कितना है, 1800। अगर धनराशि 18,000 है, ब्याज 1800 है, तो आप क्या कर सकते हो, ये दर कितनी होनी चाहिए, फिर यहाँ से ये दर कितनी हो जाएगी, यहाँ दर सर 10% होगी, ठीक है, कितनी होगी, 1800 का 10%, 18,000 का 10% ही तो 1800 होता है, तो 10%। अगर फॉर्मूले में जाते हो तो आपकी मर्जी है, अपने तरीके से कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। देखने में बड़ा कितना क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है, तीन ही कंडीशन थी, तीनों कंडीशन पे हमने काम किया, अपना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। राइट, इससे अगला क्वेश्चन, ये क्या है भाई, रमेश ने 15,600 साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए, ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा, बताओ कितना होगा ब्याज। इसने क्या किया, इसने 15,600 रुपये, ठीक है, इसने क्या किया था भाई, 15,600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 10% से, तो कितना आ जाएगा 10% इसका, 1560, दूसरी साल भी 1560, दो साल के बाद जो हो जाते हैं वो इसने जोड़ दिए, 0 2 और 5 5 10 11 2 3 3120, ठीक है, 1560 जो होते हैं तो 3000
120 हो जाते हैं। इसने अगर इसमें जोड़ दिया तो ये आपके हो जाएंगे 0, 2, 6 और 1, 7, 5, 3, 8, 18,720। अब इसके ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 1872, ठीक है, 1872, और फिर दूसरी साल का भी 1872, दो साल के अंत में कितना हो जाएगा, 2×4, 7×14, 8×16 और 1×17, 2×3, 3744। तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद, चार वर्ष के अंत में ब्याज 3744, राइट, 3744 हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं। 8,000 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है ए, सॉरी नाम दिया था ए, 800 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपये 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से उधार लेता, कितने वर्ष के बाद उनका जो कर्ज है वो बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ए जो कैंडिडेट है ना, ए ने 800 रुपये लिए हैं, कितने लिए हैं, 800 रुपये लिए हैं, और जो बी ने कर्ज ले रखा है वो लिया है 910 रुपये का, ठीक है। दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का अंतर है 110 रुपये है, ठीक है, 110 रुपये है, बात पक्की, बात पते की है जी। अब ए के लिए कंडीशन क्या है और बी के लिए कंडीशन क्या है, ए ने 800 रुपये जो लगाए लिए हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ठीक है, और बी ने जो 910 रुपये लिए हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। तो यहाँ 12% 12 96 और यहाँ पे 91, तो अंतर कितना है 5 का, ठीक है, एक वर्ष में, राइट, एक वर्ष में 5 रुपये का अंतर है। तो एक वर्ष में पांच रुपये का अंतर है। ये 110 रुपये कब कंप्लीट हो जाएंगे बराबर, 110 रुपये 5 के हिसाब से कब हो जाएंगे, 22 साल में, ठीक है, 22 वर्ष के अंदर दोनों का कर्ज है वो बराबर हो जाएगा, कब, 22 वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 72, 22 वर्ष में दोनों का कर्ज है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, राइट। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हम, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोल्व करो और बताओ भाई कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में क्रम से 12,900 और 14,250 हो जाती है, ब्याज की दर बताओ भाई। तो यहाँ देखना है कि 4 वर्ष के अंदर है ना, 4 वर्ष के अंदर कितनी हो जाती है और 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 4 वर्ष और 5 वर्ष में, 4 वर्ष में 12,900 हो जाती है और 5 वर्ष में 14,250 हो जाती है, ठीक है, और 1 वर्ष का जो अंतर आता है वो देखते हैं कितना है। तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा भाई, 13, ठीक है, 1350 और चलो देखते हैं 12,900 और 14,250, तो ये 0, 5 और 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ 4 में 3 बचते हैं, 1350, ये कब के हैं, 1 वर्ष का। अगर 4 वर्ष से मैं मल्टीपल कर देता हूँ, 4 से अगर मैं मल्टीपल करता हूँ, 13×52 और ये कितने हो गए, 200, ये 52 और 200 54,500 रुपये ये क्या है, ब्याज के हैं, क्या है ये, ब्याज है, ये है ब्याज। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन 12,900 माइनस कितना है 5,400, ठीक है, तो 500 यहां से 12 में से 7,500 हो जाएगा, ठीक है। दर कितनी है, 1 साल का कितना ब्याज होता है, 1350,
तो 1350 इसका कितना प्रतिशत होता है बताओ भाई, कितना प्रतिशत है सर? 10% पे काउंट करते हैं, 20 पे काउंट करते हैं, तो भी ये 1500 हो जाता है, ठीक है। तो 10 और 20 के बीच 15% पे काउंट करते हैं, तो भी नहीं, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 18%, राइट, ये आ जाएगा 18%। कैसे आया ये आप मेरे से पूछो, कैसे पूछोगे कि 1350 रुपये 7500 का कितना प्रतिशत है? ये होता है 18%, राइट। किसी का है कोई जवाब? चलो ठीक है, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, बताओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। 75 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर इससे अगला टॉपिक शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम एक टॉपिक, यहाँ एक टाइप और बचती है इंस्टॉलमेंट की, यानी कि किस्त वाले क्वेश्चन बचते हैं। तो किस्त वाले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट साथ साथ करेंगे दोनों में कंपैरिजन करके, ताकि किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं रहे कि इसके इंस्टॉलमेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी कैसे, यानी कि दोनों की इंस्टॉलमेंट की एक साथ करेंगे। तो 10-5 क्वेश्चन उसके कर लेंगे, 10 क्वेश्चन उसके, दोनों के 10-10 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी आते हैं इंस्टॉलमेंट के, बट आते जरूर हैं, समझना आपको जरूरी है। यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 दर कितनी है? 3%, और पुनः 2/3, राइट, और शेष भाग और कुछ है शेष, अब हमें नहीं पता है शेष कितना है। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 3 और 4 का 12, ये कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, 3 × 12 = 4 × 8, ठीक है, तो ये कितना बचेगा शेष वाला? 8 × 3 = 11, 1 बचना चाहिए। अगर मैं इसको 1200 मान लेता हूं, तो इसको मैं 300 मान लेता हूं, इसको मैं 800 मान लेता हूं, इसको मैं 100 मान लेता हूं, कोई समस्या है भाई किसी को भी? नहीं है ना, क्यों? क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, तो आसान हो जाता है। तो इस धनराशि का पहली का 300 का 3%, तो यहां से 300 का 3% कितना होता है? 1%, 3, 9 रुपये। दूसरी धनराशि है 800 का कितना बोला है दूसरी धनराशि का? 5%, 10% 80, 5% 40, तो 40 रुपये यहां से हो जाते हैं। तीसरी धनराशि शेष बचती है 100, और 100 का कितना है? 11%, कितना हो जाता है? 11 रुपये, ठीक है। टोटल 50, 40, 50, 60 हो जाते हैं, ठीक है, 60 ब्याज के कितने हो गए? 60, ठीक है, 60 रुपये हो जाते हैं, सॉरी 60% नहीं, 60 रुपये हो जाते हैं। और 60 है 1200 का कितना प्रतिशत है? तो 60 रुपये हैं ये 1200 का कितना प्रतिशत है? अब आप अंदाजा लगा सकते हो, 2 × 0 = 2, 12 × 5 = 60, कितना? 5%, राइट, कितना है भाई मेरे? 5% है। ये था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, है ना, कर लिया सोल्व। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन, बड़े बड़ा दिख रहा भाई, काफी बड़ा, सोल्व करके बताओ, घबराना नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है, घबराना नहीं है, सोल्व कर पाओगे आप, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको यकीन है ना आप पे? हाँ, तो वैसे ही यकीन भी किया करो। राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए, देखो क्या करता है कि राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर, और उतनी ही राशि वह एक बैंक में वह 5% के लिए 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर पर सावधि जमा फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करता है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 1350 रुपये, यहाँ जोड़ नहीं है, अंतर है, हमें नहीं पता है कि धनराशि दोनों बराबर है, 4 साल के ये 12%, तो 4 साल के लिए 12% का मतलब है 12 × 4 सॉरी भाई 12 × 48, ठीक है, 12 × 48 हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है? 5 साल के लिए है, और दर कितनी है? 15%, दर कितनी है? 15%, ये थी 12%, तो 15 × 75, ठीक है, 75%, और 75 का इसका डिफरेंस कितना आया? 27, ठीक है, 27
27% क्योंकि परसेंटेज में है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा भी मानते हो। और 27 की वैल्यू कितनी है, 27 की वैल्यू कितनी है, 1350 है, कहीं ना कहीं मल्टीपल में है क्या, देखो 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 10 और 3 = 13, हाँ जी 5 गुना है इसका, और एक जीरो रख देंगे 50 गुना, तो 100% कितना हो जाएगी, तो 100 को अगर हम 50 से मल्टीपल कर देते हैं तो कितना जाए, 5 से करने पर 500 हो जाते हैं और 100 से करने पर 5000 हो जाते हैं, 5000 का मतलब आपका आंसर आ जाता है 5000 ऑप्शन डी का। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था, बट देखने में बड़ा है क्वेश्चन, बट बहुत छोटा है क्वेश्चन, क्या है, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, छोटे कब हैं, जब आप अच्छे से सोल्व कर पाओ, अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाओ, कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाओगे, सारे के सारे लेक्चर आप आराम से देखोगे, और देखो सारे के सारे फ्री यूट्यूब पे तो है नहीं, यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं CHSL के, जस्ट ही हम CGL के भी करेंगे, MTS के भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और अपना एक नया पोर्टल भी लेके आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस सीरीज भी लगा सकते हो, तो बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन आपको ये जो है कंटेंट, ये कंटेंट आपने देख लिया होगा, और इस कंटेंट को देख के आप कोर्स बाई कर सकते हो। ये अपना कोर्स है जिसकी फीस 299 है, सब मैंने क्लास से पहले बता दिया था, और ये मैं बता रहा था कि अपनी बुक आ रही है CET मैथ्स के लिए, इस बुक के बाद अपनी एक बुक और आएगी मैथ्स के स्पेशल के लिए, ठीक है, जो SSC मैथ्स के लिए आएगी, जो हम कोर्स करवा रहे हैं उस बेस पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।